कैसे हो आप सब लोग। तो अभी आप देख सकते हो मैं आ गई हूँ मेरे न्यू घर के टेरेस पे और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ 24 आवर्स टेरेस पे रहने वाला चैलेंज। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और अभी देखो हल्की हल्की बारिश आना चालू हो गया और मौसम देख रही हूँ आप। देखो यार मुझे अगर 24 घंटे टेरेस पे रहना होगा ना तो मुझे है ना इधर टेरेस पे घूमना होगा या फिर अगर बारिश आ जाए ना तो वो जो रूम है ना छोटी वाली वहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसी दिन भर बारिश चलती रही तो मेरे को दिन भर वो रूम में रुकना पड़ेगा, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट रहने वाला है मेरे लिए ये रूम में रुकना। अरे यार भगवान प्लीज़ आज बारिश मत आने दो। चलो तो आपको मैं ना वो मेरी छोटी सी रूम दिखाती हूँ जहाँ पे मेरे को शेल्टर लेना होगा अगर ज़ोर से बारिश आ जाए तो। ये रही वो छोटी सी क्यूट रूम। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ना मेरे साथ एक छोटी सी चटाई भी लाई है, मेरे को तकिया भी चाहिए होगी तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी, मैंने मंगवाई है। और हाँ मैंने है ना ज़रूरी सामान की एक बैग भी लाई है जो जो मुझे सामान चाहिए उसकी। तो सबसे पहला रूल ये है कि देखो ये टेरेस का दरवाज़ा है, मुझे है ना ये दरवाजे के उस साइड नहीं जाना है, बस मुझे है ना ये टेरेस यूज़ करना है। और हाँ ये जो स्टोर रूम है ना मुझे ये स्टोर रूम यूज़ करनी है। और इधर ये देखो टेरेस पे एक वॉशरूम भी है, वो वॉशरूम यूज़ करना है। इसका भी काम हुआ नहीं है पूरा, इसको कलर देना बाकी है। तो आओ मैं आपको बाकी के रूल्स भी समझा देती हूँ। तो सबसे पहला रूल तो आपको मैंने समझा दिया कि मुझे टेरेस के नीचे नहीं जाना है, लेकिन कुछ कंडीशन में मैं नीचे जा सकती हूँ। जैसे कि मुझे जनरल स्टोर में जाना होगा तो मैं जा सकती हूँ, और मेरे पास है सिर्फ 100 रुपीज़, मेरा पूरा 24 आवर्स का खर्चा है ये। मतलब अगर मुझे बिस्किट चाहिए होगा, मैगी चाहिए होगी तो मैं ये सिर्फ 100 रुपीज़ में ला सकती हूँ। और देखो बारिश तो बढ़ती जा रही है, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। चलो साफ सफाई स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त सीन हुआ, मेरे भाई को है ना रात में शायद आपके पास चींटी काटी थी तो उसकी आंख ना बहुत सूज गई थी। तो देखो आगे फिर क्या हुआ। क्या हुआ बच्चे इधर देख। अभी थोड़ी देर में वो सूजन चल जाएंगी, ठंडे पानी से ना अच्छे से आग धो लेना, चले जाएंगे, कुछ काटा तेरे को वहाँ पे, ठीक है। देखो ये साइड है ना सब सूख गया और अभी बज रहे सुबह की 8:30, तो सबसे पहले मैं मेरा वर्कआउट कर लेती हूँ। वाओ देखो मम्मी भी आ गई। मम्मी ये लो कैमरा पकड़ो, चलो नाश्ता करने के लिए। नहीं वर्कआउट होने के बाद। और देखो ये सुबह सुबह आके बैठ गए मम्मी और मामी। चलो ठीक है मेरे टाइम पास के लिए भी। बता आग बता कौन बना मिठल कानिया। मेरा नाम मिठल कानिया। इस मुसीबत में तुम्हें एक ही आदमी सहारा दे सकता है। कौन? मिठल कानिया। तो अभी बज रहे दोपहर के 12 और मेरे साथ मम्मा पापा भी आ गए इधर। तो है ना मेरे को अभी भूख लग रही है और मैंने ना घर से ही खाना ला लिया था, तो मम्मा पापा का तो खाना हो ही गया होगा। देसी खाना है ना ऐसे ही पैक होता है, ये मैंने नानी ने पैक करके दिया है। ये देखो देसी रोटी करो। हम तो ऐसे ही खाते हैं, कौन कौन ऐसे खाता है कमेंट करके बताओ। बर्गर वर्गर से तो कई गुना अच्छा है। तो देखो रूल्स में ये भी था कि ना मुझे बस मेरा टिफिन खा
खाना है तो यहाँ पे बनाना है, मुझे बनाना खाने का मन हो रहा है तो मुझे है ना बनाना खरीदने पड़ेंगे। देखो बनाना 40 रुपये डजन है, अगर मैं 4 बनाना खाऊंगी तो 10 रुपीज़ होंगे, तो मुझे है ना मतलब ये 100 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ पप्पा को देने पड़ेंगे क्योंकि ये बनाना पप्पा लेके आए। विठल कान्या तेरी आंख देखनी है, इधर आ जल्दी। ए विठल कान्या तेरी आंखों का दर्शन कराओ हमको। बैठो नीचे। दर्शक बैठे वाले इधर लो देखो बेचारे क्या। आंख बता, आंख बता। पापा से मैंने बनाना खरीद लिया और अब मैं बनाना इंजॉय कर रही हूं। तो ये देख इसके तरफ ध्यान रखना, ये इधर ही है, इधर ही। हां 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 इसके तरफ ध्यान रहेगा ना। हां तेरे ना उड़ के गुड नाइट आपको भी, मैं थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, क्या करेंगे। छोड़िए चल सो जा, नाटक मत करना, सो जा ना चुपचाप, नहीं तो बाहर जाके खेल। ये खुद भी नहीं सोएगा, मेरे को भी नहीं सोने देगा। आपका छोटा भाई आपको परेशान करता है, आप इसको इसको देखो। सो कैसे भी करके है ना मैं 1 घंटा सो गई और ये जब से है ना टेरेस पे खेल रहा है, ये सोया नहीं। मैं कब कितनी बार बोली कि सो जा, नहीं सोया बोलो। तो अभी बज रहे शाम के 4, अभी है ना मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि मैंने जो रोटी लाई थी ना वो मैंने आधी ही खाई थी। मैं ना मतलब 3-4 टाइम खाना खाती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। तो अभी मैं ना नीचे जाके कुछ सामान लेके आती हूँ, ब्रेड जाम वगैरह कुछ लेके आती हूँ। इसमें से 100 रुपीज़ में से ना मेरे को 90 रुपीज़ ही खर्चा करना है, तो आओ फिर मैं कुछ लेके आ जाती हूँ। तो मैं अकेली होती तो मैं 90 रुपीज़ में से ना मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आ सकती थी, लेकिन ये एक मेंबर भी तो बढ़ गया ना खाने के लिए, तो इसको भी तो ब्रेड जाम लगा के खिलाना पड़ेगा। तो ये देखो ये ब्रेड और जैम मैंने ले लिया। तो ये ब्रेड था 20 रुपए का और ये जो जैम है ये भी 20 रुपए का था, तो टोटल 40 रुपए का खर्चा हुआ। और इसमें से अगर मैं 10 रुपए काट लूँ तो 50 रुपए का खर्चा हुआ, तो अभी टोटल मेरे पास बचे हैं 50 रुपए। तो अगर बाद में और कुछ सामान वगैरह लाना होता है तो इसी में मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। बेचारा देखो ना मेरा कुछ भाई कैसे आँख सूज गई उसकी, आज उसको बिल्कुल भी कहीं मन नहीं लग रहा है। हाँ ऐसे अच्छा है। खा फिर। देखो कितना सारा सामान लेके आई है मम्मा अभी, है ना देखो ये कितने का हुआ, 10, 20, 30, 40, यानी कि अभी बस मेरे पास 10 रुपए बाकी है। अभी चैलेंज चल रहा है ना मम्मा, 40 रुपए मम्मी को देने पड़ेंगे, उसके बाद 10 ही रुपए रहेंगे मेरे पास। तो अभी बज रहे शाम के 5 और मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया है, तो मैं मेकअप कर लेती हूँ और रील शूट करती हूँ। तो हो गया मेरा मेकअप, चलो अभी रील शूट करते हैं। शाम का माहौल देखो ना, कितने सारे ढोल बज रहे, कितना मस्त लग रहा है ना। अभी शाम के 5:30 बज रहे और हमने रील्स निकाल लिए, स्लोमो वगैरह भी निकाल लिए। आपको ढोल की आवाज सुनाई दे रहे है? अभी है ना बहुत बोर हो रहा है तो अभी हम एक खेल खेलेंगे। रुको मेरे को पहले ऐसे लाइन मारनी पड़ेगी। ये गोल देख के किस किस को ये खेल याद आ रहा है, किस किस ने खेला है बताओ यार कमेंट करके। चलो तो मैं ये गेम खेलती हूँ। तो ये जो पत्थर है, अभी यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो मैंने ये पत्थर लिया है, ये है ना यहाँ पे ऐसे डालना होता है पहले, और फिर ऐसे फिर से इधर ऐसे 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 ये उठाना होता है और ये सजाना होता है, फिर सेकेंड बॉक्स में पत्थर डालना होता है। देखो हमारे घर के है ना एकदम पास में गणपति बप्पा का पंडाल है, शाम के टाइम पर ना यहाँ पे एकदम माहौल अलग ही हो जाता है। देखो अभी ढोल बज रहे, थोड़ी देर में आरती होगी फिर गाने बजेंगे। देखो पप्पा आ गए और सोनल दी भी आई, अच्छा हुआ आ गई, बहुत बोर हो रहा था और अभी रात भी हो गई है ना। आ गई तू? अच्छा हो गया आ गई, चल तेरे लिए एक काम है। तो सुन अभी अंधेरा हो गया है, लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नीचे ना एक बोर्ड पड़ा हुआ है और फोकस पड़ा हुआ है, वो जाके पहले लेके आ। जा लेके आ, और लाइट भी है वो भी लेके आ। मिल गया, आ जा। लगा सोनल दी उसमें और वो चालू कर बटन।
स्टार्ट कर लिया हमने। तो देखो हमने ना ये बल्ब लगा दिया, अभी पूरी टेरेस पे जो लाइट आ रही है, और एक फोकस लाइट है जो हमने रूम में लगाई है, रूम में भी लाइट आ गई है। अरे पापा के पैरों की आवाज में पापा आ गए, देखो मैंने कैसे गेस किया। इनको देखो तुमने दिवाली मना लिया यहाँ पे। दो ही तो लाइट लगाए दिवाली में, दो थोड़ी ना लगाएंगे, और लगाएंगे। तो मैंने है ना मेरे मामी के कपड़ा मंगा लिया और वही पहन लिया। क्या है ना स्टाइलिश कपड़ों में ना कुछ देर के बाद में बोर लगने लगता है, ये एकदम मस्त कंफर्टेबल कपड़े इसलिए मैंने पहन लिए। तो अभी आप सोचो अभी तक हम है ना यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए हैं, तो यहाँ पे कितनी मजा आ रही है अभी से, मतलब हम इतनी मस्ती कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो रोज टेरेस पे कितनी मस्ती करेंगे यार। तो मैं बोल रही थी कि है ना हमने है ना हम तीनों ने इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं है, इतने रूम वाला, मतलब हमारा जो पुराना घर है वो भी है अच्छा खासा बड़ा, लेकिन हमने है ना काफी सारे रूम रेंट पे दिए हैं, हम बस डबल रूम में रहते। तो मम्मी बताओ कितने एक्साइटेड हो ये घर में आने के लिए। हम तीनों एक्साइटेड है न्यू घर में आने के लिए। अभी है ना हम जब यहाँ पे रहने के लिए आएंगे ना रोज टेरेस पे हंगामा करेंगे। तो चादर फिर भी चाहिए होगी ना अगर रात में ठंडी बजी तो। मामा ब्लैंकेट पाहिजे होते। ब्लैंकेट घेऊन ये ना प्लीज, आम्ही इथे कसं राहणार मग रात्री। तो देखो अभी बज रहे रात के 10 और इतनी जोर की भूख लगी है ना, मैं मम्मा और पापा खाना लेके आते ही होंगे। लो आ गया मामा, क्या लाया है इसमें इतना, चल हम खोल के देखते हैं इसमें क्या है। खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है गर्मा गर्म। 1 2 3 खोल। वाओ क्या गर्मा गर्म खुशबू, ये तो दाल खिचड़ी है, पापा ने बनाई है शायद। पापा की बनाई हुई है, हम पहचान लेते हैं। पापा आपने बनाई है ना दाल खिचड़ी, खुशबू लेके बता वाला। यार अभी मतलब खाना वाना होने के बाद में ना सोनल दी को और मेरे को इधर ही टेरेस पे सोना है, ये क्या है ये, मस्त चले जाएंगे नीचे सो जाएंगे एकदम, हम दोनों तो टेरेस पे ही सोने वाले हैं। चलो सबको मैं सर्व करती हूँ। ये रही हमारी गर्मा गर्म दाल खिचड़ी, हमारे पास है ना प्लेट कम है इसीलिए ना एक थाली में दो लोग खाएंगे, ये ले सोनल दी और इसमें मम्मी पापा खाएंगे। ये लो आप भी खाओ मेरे साथ दाल खिचड़ी, बहुत ही यम्मी बनी है। पापा जो बनाते हैं वो यम्मी होता है। तो अभी है ना पानी का कोई टेंशन भी नहीं है, यहाँ पे देखो पीछे पानी का जार भी है, तो प्यास लगी तो हम यहाँ से पानी पी सकते हैं। जा रहे हो पापा? हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं आएंगे नीचे, ऐसे मत देखो। हाँ बाय गुड नाइट। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, हाँ हाँ बारिश वारिश आई ना हम चले जाएंगे वो रूम में। बहुत लेट आई है बाद में, 6-7 बजे आई है, मैं तो दिन भर से बहुत थक गई। अभी क्या है अभी हम सो जाएंगे, देना इधर ब्लैंकेट प्लेट। तो अभी क्या है बारिश नहीं चल रही है ना इसलिए हम लोग बाहर ही सो रहे हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैसे बारिश वगैरह आ जाएगी ना तो हम वो रूम में चले जाएंगे। वैसे भी अभी कल तो मैं ना 8 बजे तक उठ जाऊंगी, और मेरे उठने से पहले मतलब मेरा 24 आवर्स का जो चैलेंज है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे से शुरू किया है ना, तो मैं 8 बजे उठ जाऊंगी, और जब मैं उठूंगी ना तो उसका फोटो है ना मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी कि मैं उठ गई और मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। गुड नाइट, सो जाओ यार अभी। और हाँ ये जो 24 आवर्स का चैलेंज है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इजी था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, कितनी मेहनत की आपने, देखा है ना वीडियो में, लाइक कर दो जल्दी जल्दी, अभी मैं सो रही हूँ। iPhone 13 Pro लॉन्च हो गया है, क्या बोलती है पब्लिक, पापा से जिद करवा के लिया जाए iPhone 13 Pro।